फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को साइंस में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम से आए होते हैं, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग डेली का डेली क्लास भी देखा करें, कभी क्लास मिस मत किया करें जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा हिंताजन असंक्रामक व अन्य रोग से है। तो बात कर लेते हैं हिंताजन क्या होता है। तो हिंताजन या अभावजन रोग जो होता है, ये क्या होता है? तो मानव पशुओं या पौधों में संक्रमण, आहार अथवा किसी प्रक्रम की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा उत्पन्न विकार को सामान्य रोग कहते हैं, जबकि खनिजों, विटामिनों अथवा आवश्यक पोषकों जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के अभाव में जो उत्पन्न रोग होते हैं, उसे हम हिंताजन या अभावजन रोग कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, वो शरीर अथवा अंग की संरचना व कार्य को प्रभावित करते हैं। और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर इत्यादि जो है मनुष्य के असंक्रामक रोग हैं। तो आपका हिंताजन और असंक्रामक के बारे में आप जान गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम बाकी डिस्कस करते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। जोड़ों में जो गठिया रोग होता है, वो किसके जमाव के कारण होता है? तो आप लोग ये इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम रोगों से संबंधित जो मानव प्रतिरक्षा रोग है, उससे हम लोग डिटेल चर्चा किए हैं। तो आप लोगों को तो अब इस सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होगा और कुछ आप लोग के लिए न्यू होगा। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो गठिया रोग जो होता है, शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। और जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने लगता है, उस स्तर में यूरिक अम्ल का जो रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जो होते हैं, भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, यूरिक अम्ल। फिर से एक बार देख लीजिए, गठिया रोग जो होता है, शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। और जब कभी गुर्दे से, किडनी से जो मूत्र की मात्रा होती है, वो कम हो जाती है या अधिक बनने से जो सामान्य स्तर होता है, वो भंग हो जाता है, जिसके कारण यूरिक अम्ल का जो होता है रक्त स्तर बढ़ जाता है और ये यूरिक अम्ल जो है क्रिस्टल के रूप में शरीर के विभिन्न जोड़ों में जमा हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ? आजीमोन तेल मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश, धान की भूसी की तेल मिलावट, उजला रंग करने वाली मिलावट। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जो हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, उसमें जो भोजन खाते हैं, उस सरसों के तेल की वजह से ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है, उसका कारण कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो घातक ड्रॉप्सी रोग जो होता है, इसके होने के जो कारण है, ये सरसों के तेल है, सरसों के तेल, सरसों का तेल तो है ही है, तो सरसों के तेल, आर्जीमोन का तेल और सरसों के तेल के साइनाइड अंश भी हैं और उजला रंग प्रदान करने वाली मिलावट, ये सारे आपके जो है ये ड्रॉप्सी होने का कारण है। ड्रॉप्सी घातक रोग जो है ड्रॉप्सी होने का कारण है, बल्कि जो आपका धान की भूसी है, ये इस तेल में मिलावट का कारण नहीं है। सरसों का जब तेल हम मतलब पिराई होती है, कुछ भी होते हैं, तो उसमें आपका आर्जीमोन तेल भी मिला देते हैं, सरसों के तेल में साइनाइड अंश भी मिला देते हैं और उजला रंग प्रदान करने वाला पदार्थ भी उसमें मिला देते हैं, लेकिन धान की भूसी का यूज उसमें नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसकी विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है कि विरुद्ध युद्ध में नहीं खोजे श्रेष्ठतर चिकित्सा के विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग है कैंसर, एड्स, यक्ष्मा, अल्जाइमर रोग। आपको बताना है ये जारी सारी चीज़ें जो इतना पैराग्राफ दिया है, वो किस रोग के बारे में चर्चा कर रहा है, ये आपको बताना है। तो फिर से आप देख लीजिए, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है, ये ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे रहते हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। फिर डैश है कि विरुद्ध युद्ध में खोजे गए श्रेष्ठतर
चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो ये किस रोग की बात कर रहा है, तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग इसको कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं या थोड़ा बहुत अगर ट्रिक वगैरह इसमें अपना ले तो उससे भी जान सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो कैंसर जो होता है एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी होती है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है, और यह एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो जाता है जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। और यही एकल कोशिका के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि मतलब इससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया निम्न का डर है, अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का, कुत्तों का। आपको बताना है एंथोफोबिया है जो किसका डर है, तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो एंथोफोबिया जो इस शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीक भाषा के एंथॉस से हुई है, ग्रीक भाषा के एंथॉस से हुआ है, और ग्रीक भाषा के एंथॉस और प्लस फोबोस से हुआ है। तो आपका एंथोफोबिया शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के एथॉस और फोबोस शब्द से हुआ है। एथॉस का अर्थ होता है फ्लावर और फोबोस का अर्थ होता है फियर, जिसको डर कहते हैं, से हुआ है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दल, पुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है, और किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना जो होता है वो फोबिया कहलाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पुष्पों का, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। एंथोफोबिया जो है पुष्पों का डर होता है। एंथोफोबिया दो वर्ड से मिलकर बना है, एथॉस और फोबोस। एथॉस का मतलब होता है फ्लावर और फोबोस का मतलब होता है फियर। तो आपका एंथोफोबिया पुष्पों से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातोत्माद जिसे हिस्टीरिया रोग भी कहते हैं सामान्यतः किस वर्ग में होता है, विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं, जवान पुरुष महिलाएं। तो आपको बताना है वातोत्माद जिसे हिस्टीरिया रोग कहते हैं ये किस में होता है, ये आपका यूपीपीसी से आया क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो वातोत्माद अर्थात हिस्टीरिया नामक जो रोग होता है वो सामान्यतः उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है और जिसमें महिलाएं जो होती है वो घबराहट, बेचैनी, बेहोशी के लक्षण दिखाई देते हैं, और बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। जवान महिलाएं जो होती हैं इसके शिकार होती हैं, इन महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है जिससे महिलाओं में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बेहोशी होती है, ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद ये सारे रोग खुद ही खुद सही हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस क्या है, गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, सिलिकोसिस क्या है। तो सिलिकोसिस जो है ये फेफड़े से संबंधित रोग है और धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुँच जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुँचने से यह रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। फेफड़े, सिलिकोसिस नामक रोग जो होता है वो फेफड़े से संबंधित होता है, क्योंकि धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका या बालू का जो कण होता है वो सांस के माध्यम से मनुष्य के फेफड़ों में चला जाता है, और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुँचने से यह रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, रक्ताल्पता, लौह तत्व की कमी, गला घोटू, आयोडीन की कमी, रतौधि, विटामिन ए की कमी, बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी। तो इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल बताया था, तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, मैंने आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। तो रक्ताल्पता, रक्ताल्पता को हम एनीमिया कहते हैं, एनीमिया जिससे खून की कमी होती है, तो ये लौह तत्व की, आयरन की कमी के कारण आपका खून, ब्लड की कमी हो जाती है, ये आपका सही है। गला घोटू को भी मैंने कल वाले वीडियो में बताया कि क्या कहते हैं इसको, हम घेघा रोग या ग्वाइटर कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है, ये भी आपका राइट है। फिर तीसरा है रतौधि, रतौधि को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी आपका राइट है। और बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से नहीं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये रॉन्ग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं, और देखिए ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो आंसर दीजिए क्या हो सकता है, किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो इसको आप ऐसे ही बता दीजिए, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया, आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेघा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, गर्दन फूल कर मोटी हो जाती है और कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। और आयोडीन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो दूध है, समुद्री भोजन है तथा आयोडीन युक्त नमक होता है, और यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, किससे, गठिया से, रतौधी से, रिकेट से, घेघा से। चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, आयोडीन किस बीमार व्यक्ति को दी जाती है, किस रोगी को दी जाती है जो किस चीज़ से परेशान होते हैं। इसको भी आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो आपका, आपको पता है कि ये घेघा नामक रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ये जो है, इस रोग, जो घेघा वाले रोग होते हैं, पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको आयोडीन दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं चर्मग्रह, पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, ऑस्ट्रोमलेशिया से। तो आपको बताना है कि जहाँ पे पॉलिशयुक्त चावल का सेवन करते हैं या पॉलिशयुक्त चावल को खाते हैं, वहाँ पे लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं, आपको बताना। ये भी आपके UPSC का क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर दे दीजिए। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, अच्छे खासे डिटेल चर्चा हुई थी। तो चलिए आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिए क्या हो सकता है, आप लोग का रिविज़न भी हो जा रहा है इसमें। तो बेरीबेरी जो होता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग होता है, जो मुख्यतः आहार में थायमिन, विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका सेवन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें बेरीबेरी रोग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। और मैंने बताया था चावल के भूसी में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और जहाँ पे आपका पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वहाँ पे विटामिन B1 की कमी, जिसे थायमिन कहते हैं, कि कमी हो जाती है, जिससे लोग इस रोगी के शिकार हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेघा, बेरीबेरी। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, अभी मैंने तुरंत बताया, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए क्या हो सकता है। तो चावल, पॉलिश किए हुए चावल खाने से आपको बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है, थायमिन की कमी हो जाती है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है, MRI का मतलब क्या होता है, चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक, चुंबकीय रेजोल्यूशन सूचना, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, उपरोक्त सभी। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, MRI का मतलब क्या होता है। तो MRI का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, इसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं, जो ये होता है तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ले जाती है। MRI के माध्यम से हम शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर जो है ले सकते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, इसका फुल फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसका BMD परीक्षण किसका पहचान करने के लिए किया जाता है, डेंगू का, मलेरिया का, ऑस्टियोपोरोसिस का, एड्स का। ये भी आपका UPSC का क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए, सारे क्वेश्चन जो भी हैं इसमें UPSC और IAS के ही क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, BMD परीक्षण किस में किया जाता है। तो BMD परीक्षण जो होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस को हम अस्थि रंध्रता भी कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ये हड्डी का एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, और इस रोग में अस्थि जो होता है, खनिज घनत्व कम हो जाता है, और अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, इसको पहचानने के लिए हम BMD परीक्षण करते हैं। BMD परीक्षण जो होता है, ये आपका अस्थि रंध्रता की पहचान करता है, कि हड्डियों में कहाँ पे छेद है, होल है, ये सारी चीज़ें आपकी सूक्ष्म संरचना को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, BMD का फुल फॉर्म आपको बताना क्या है। तो चलिए ऑप्शन है, बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो चलिए ऑप्शन आंसर देने की कोशिश की, ये भी आपके UPSC के क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, तो आपका BMD का जो फुल फॉर्म होता है वो बोन
मिनरल डेंसिटी होता है, बोन मिनरल डेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया कि बोन मिनरल डेंसिटी मतलब जो खनिज अस्थि खनिज घनत्व, मतलब इसका जो अस्थि खनिज, इसका हिंदी हो जाएगा अस्थि खनिज घनत्व। और BMD परीक्षण जो होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग होता है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, और इसका जो इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है और अस्थि जो होती है सूक्ष्म संरचना इसकी नष्ट हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है? रक्ताल्पता, हीमोफीलिया, मधुमेह, उक्त उच्च रक्तचाप। तो आपको बताना है कि रक्त में जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन किसके माध्यम से किया जाता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन होता है ये मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है, और इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पहचान किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपको ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, मधुमेह। ओके, रक्त में जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन होता है वो मधुमेह के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है, वह किस रोग से पीड़ित है? जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि हमको मतलब पेट भर गया है, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस रोग में क्या होता है कि वो भोजन किया जाता कभी ज़्यादा कर लेगा कभी कम कर लेगा, तो कौन सा रोग है ये बताना है। बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो बुलिमिया नर्मोशा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार होता है। बुलिमिया से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो बहुत कम समय बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है, और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए वो बार बार मल त्याग करता है, और उसके माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन को त्याग करके ही करने के लिए प्रयासरत रहता है। मतलब बार बार वो वॉशरूम जाने की कोशिश करता है, बार बार वो अपनी मतलब वजन को कम करने के लिए मल को त्यागता रहता है। और बुलिमिया से जो ग्रस्त व्यक्ति होते हैं ऐसा महसूस करते हैं कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना चाहिए। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, बुलिमिया से। ओके, बुलिमिया नामक जो रोग जिसको हो जाता है वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि हमको भोजन कब रोक देना चाहिए, वो भोजन करता ही रहता है, और जब एक टाइम बाद उसका वजन बढ़ जाता है तो वो बार बार वॉशरूम या मल त्याग के माध्यम से अपना जो होता है भोजन को त्याग करता रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाईटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? पारद, निकिल, कैडमियम, सीसा। आपको बताना है इटाईटाई रोग जो है किसके कारण होता है। तो इटाईटाई रोग जो होता है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, और सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था, और खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, कैडमियम। इटाईटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? स्वस्थ सेलों को बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है, जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु हो जाती है, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणा होना इससे स्वस्थ लोग का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाती है, फोर्थ शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम बंद करना या अंततः मृत्यु हो जाती है। तो आपको बताना कि शरीर में किस स्थिति में कैंसर हो जाता है, कौन सा एक पॉइंट आपका सही ये बताना है। तो कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता रहता है, और ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है, अतः शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे छीण होकर समाप्त होने लगती हैं और कैंसर के रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणा होना इसके स्वास्थ्य लोग का दम घुटना अंततः मृत्यु हो जाना ये आपका है। जब कैंसर नामक रोग हो जाता है तो जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहती हैं, मतलब उनमें बहुगुणन होता है, उनकी संख्या वृद्धि हो जाती है, और जिसके लिए उनमें अधिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जब अधिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है तो बाकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वो कोशिकाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी नामक प्रदूषककारी बीमारी पीने वाले जल में से निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। तो आपको बताना है कि ब्लू बेबी नामक रोग जो होता है वो किस प्रकार के जल पीने से आपको ये बीमारी होती है, ये आपका UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होते हैं बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 PPM से अधिक होती है। जब नाइट्रेट की मात्रा 10 PPM से अधिक होती है तो आपको
ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होने की संभावना होती है। इससे बच्चे के होठ या शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है और यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, नाइट्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है, आयरन, लेड, मिथेमोग्लोबिन, नाइट्रेट। तो आपको बताना है रक्त में किसकी कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मिथेमोग्लोबिनिया कहते हैं, एक मिनट लिख देते हैं, मिथेमोग्लोबिनोमिया, इसी को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है और पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण होता है। प्रमुख रूप से जो नवजात शिशु होते हैं इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं और ये नाइट्राइड जो है RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है और इस स्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, मिथेमोग्लोबिन। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ पुराना रिवीजन हुआ होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपको कई रोगों के बारे में तो अच्छी खासी नॉलेज हो जा रही होगी, अच्छी दवाओं के बारे में, अच्छी बीमारियों के बारे में, सबके बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे और अब आप लोगों को साइंस से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, साइंस से आप लोग डर भी नहीं रहे होंगे। पहले आप लोग बहुत साइंस से घबरा रहे थे तो अब आप लोगों को साइंस भी समझ में आने लगा है। तो आप लोग बस वीडियो का बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें ताकि आपको भूलने की गुंजाइश ना रहे और आप लोग बार बार पढ़ेंगे बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग को साइंस में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।